नमस्कार, लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। 17वीं लोकसभा के एक साल पूरे हो गए। इस एक साल की छोटी सी अवधि में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पुरानी परंपराओं में कई नए बदलाव किए गए, कई नए रिकॉर्ड्स भी बने। तो आइए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं कि क्या रहे लोकसभा अध्यक्ष के नवाचार। सत्रहवीं लोकसभा के एक साल पूरे हो गए। इस एक साल की छोटी सी अवधि में ही लोकसभा सत्र के दौरान कार्य के अनेक नए रिकॉर्ड बने। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद माननीय ओम बिरला ने सदन के सफल संचालन के साथ ही न सिर्फ कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया, बल्कि संसद में कई महत्वपूर्ण नवाचारों की भी शुरुआत की। संसद की गरिमा सर्वोच्च बनी रहे, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आग्रह करूंगा, शॉर्ट में क्वेश्चन, शॉर्ट में आंसर, हम अधिकतम माननीय सदस्यों के प्रश्न ले पाएंगे। उनकी अध्यक्षता में 27 नवंबर 2019 को 47 वर्षों बाद इतिहास रचा गया। इस दिन लोकसभा में प्रश्नकाल की सूची में शामिल सभी 20 प्रश्न पूछे गए और इनका उत्तर संबंधित मंत्रियों ने दिया। मैं सभा को बधाई देना चाहता हूं कि आज सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से आज हम सभी माननीय मंत्रीगणों के सहयोग से हम आज 20 प्रश्नकाल पूरा कर पाए। माननीय ओम बिरला के अध्यक्ष बनने के बाद से प्रश्नकाल के दौरान करीब 8 से 10 पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले लोकसभा में अधिकतम 5 से 6 पूरक प्रश्न ही आ पाते थे। Again, I request you to take up this matter with the concerned department of the government of India. Thank you, sir. यही नहीं, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान माननीय सांसदों के संक्षिप्त प्रश्न और संबंधित मंत्रियों की तरफ से संक्षिप्त जवाब की नई परंपरा शुरू की है। But however, based on the committee that all of us are talking about, Sumit Bose committee, which has already submitted the report, I'm sure this period of processing. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कुल कितनी राशि जमा हुई है और इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है? Sir, the member is honourable member is right. About 636 cases. Where sanction for freeholding of properties and cantonments have been accorded by the ministry already. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हमेशा प्रयास रहता है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा कामकाज हो। उनकी अध्यक्षता में शून्यकाल के दौरान एक दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 84 सांसदों ने अपनी बात रखी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। खास बात यह भी कि 84 में से 49 नए संसद सदस्य थे जो शून्यकाल में अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के मुद्दों को संसद में उठा सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोशिश रहती है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों की भागीदारी हो सके। वे नए सांसदों का मनोबल बढ़ाते हैं। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 19 जून से 4 जुलाई 2019 के बीच सदन में 130 नए सदस्यों को बोलने का अवसर मिला। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में नए सांसदों ने संसद में अपनी बात रखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं। सदन का संचालन करते वक्त वे स्वयं हिंदी का प्रयोग करते हैं। उनका आग्रह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज हिंदी में हो। यही वजह है कि संसद में अब आईज और नोज की जगह हाँ और ना ज्यादा सुनाई देता है।
जिन संसदीय प्रक्रियाओं में अब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा है वहां भी उन्होंने हिंदी में कामकाज की शुरुआत की है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष निर्विघ्न व निर्बाध रूप से हो सके इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को हमेशा टोकते हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। उनकी नजर में सभी माननीय संसद सदस्य एक बराबर हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशैली की सभी दलों के सांसद भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनके सहयोग और समर्थन से ही लोकसभा अध्यक्ष को सदन के निष्पक्ष संचालन में मदद मिलती है। संसदीय कार्यवाही को सफलतापूर्वक आदर्श रूप में चलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय कई बार लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ कर चुके हैं। थैंकिंग यू फॉर कमिंग बैक टू योर चेयर ऑफ हाई ऑनर। द हाउस वाज फीलिंग लाइक एन ऑर्फन विदाउट योर प्रेजेंस। देयर वाज नोबडी टू प्रोटेक्ट our rights and interests. We are happy that the father of the house, the leader of the house, please don't do nitpicking. What you're doing is called nitpicking in English. Appreciate the sentiment. Sir, we had a very fruitful meeting in your chamber. And fortunately, we came to the conclusion that all well, that ends well. संतोष का विषय यह भी है कि अध्यक्ष पीठ की गरिमा बनाए रखने में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका की प्रशंसा सत्ताधारी दल के सदस्यों समेत विपक्षी नेता भी करते हैं। आपने चेयर पर विराजमान हो चुके हैं, ये हम सबके लिए बड़ा संतुष्टि की बात होते हैं सर, क्योंकि हम सब आपको बड़ा सम्मान करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोशिश रहती है कि वे ज्यादा से ज्यादा समय अध्यक्ष पीठ पर बैठें, ताकि माननीय सदस्यगण ठीक से अनुशासन का पालन करें। सदन में गंभीर चर्चाओं के दौरान वे सुनिश्चित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों की उपस्थिति एवं भागीदारी बनी रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर संसद में सबसे पहले अपने विचार रखते हैं, साथ ही सभी संसद सदस्यों से लगातार अपील भी करते हैं। 17 लोकसभा सत्र से हमने इस देश में कई उतार चढ़ाव देखे, इस पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए सदन में चर्चा हुई, संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, और जब जब भी सदन संसद पर बात आई तो सभी दलों ने संसदीय मर्यादाओं के लिए चर्चा की और सबने प्रयास किया कि संसद की मर्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं का मंदिर है, जहां माननीय सदस्य जो चुनकर आते हैं वो जनता की बातों को अभिव्यक्ति करते हैं, और सब चाहते हैं कि सदन पवित्रतम रहे और इसमें वाद विवाद संवाद चर्चा स्वस्थ रूप से हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी सांसदों को सदन में पेश होने वाले विधेयकों से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध हो। इसी दिशा में हर विधेयक से पहले संबंधित विशेषज्ञों द्वारा सांसदों को जानकारी देने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक के सूचीबद्ध होने से कम एक दिन पहले इसके बारे में सदस्यों को जानकारी दिए जाने की व्यवस्था भी की है।
संसद सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से ऑनलाइन रेफरेंस सुविधा की शुरुआत भी की गई है। संसद में ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रमुख कार्य योजनाओं में से एक है। संसदीय कामकाज की डिजिटल प्रणाली विकसित करने के साथ ही संसद में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत करने की दिशा में भी उनके प्रयास लगातार जारी हैं। माननीय ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद से संसद की उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 19 जून से लेकर 6 अगस्त 2019 के दौरान सदन में कोई व्यवधान नहीं हुआ। लोकसभा में रिकॉर्ड 35 विधेयक पारित हुए। संसदीय कामकाज की दृष्टि से इस सत्र की उत्पादकता 137% रही। इसके बाद 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 तक आयोजित शीतकालीन सत्र की उत्पादकता 116% रही। इस दौरान 14 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। इसी प्रकार बजट सत्र 2020 की उत्पादकता 90% रही। इस दौरान 12 अहम बिल पारित हुए। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में आइए देखते हैं कि किस प्रकार डिजिटल माध्यम को अपनाकर लोकसभा अध्यक्ष ने जनता तक अपनी पहुंच बनाई। लोकसभा अध्यक्ष का हमेशा जोर रहा है कि संसदीय लोकतंत्र से संबंधित जानकारियां आम जनता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की स्थापना की गई है, जिसमें वरिष्ठ सांसद भी अपने अनुभवों को जिज्ञासुओं के साथ साझा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राज्यसभा एवं लोकसभा सांसदों के जन्मदिन पर उन्हें शुभेच्छा प्रेषित करने की शुरुआत की है। अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट एवं ट्विटर हैंडल से शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ ही लोकसभा टीवी को भी इस कार्य में संलग्न किया है। सभी माननीय सांसदों को अब जब डिजिटल माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलती हैं, तो वे काफी प्रसन्न होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों द्वारा सदन में रखी गई बात को लोकसभा टीवी द्वारा उन्हें तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। माननीय सांसदों को व्हाट्स ऐप के जरिए तुरंत उनका वीडियो प्रेषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर को पूरी तरह कैशलेस बनाने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने माननीय सांसदों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रीपेड कैश कार्ड उपलब्ध करवाए जाने की दिशा में पहल की है। यही नहीं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को राजी कर संसद भवन स्थित कैंटीन की सब्सिडी खत्म करवाई। देश की जनता ने इस फैसले की व्यापक स्तर पर सराहना की। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संसद को पेपरलेस बनाने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष की कोशिशें लगातार जारी हैं। अधिकतम कार्य पेपरलेस हो, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। पेपरलेस व्यवस्था से न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि प्रिंटिंग के खर्च भी बचेंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन निर्माण की 92वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री से संसद भवन को और ज्यादा भव्य और वैभवशाली बनाने का भी आग्रह कर चुके हैं। सदन के सफल संचालन के साथ साथ संसद के खर्च को कैसे संतुलित किया जाए, यह भी विचारणीय विषय था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दिशा में तुरंत प्रयास शुरू किए और अनावश्यक खर्चों में कटौती का आदेश दिया। माननीय ओम बिरला की कोशिश रहती है कि सदन का एक भी मिनट बेकार ना जाए। उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि 67 वर्षों बाद उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ पहला ही सत्र
ऐतिहासिक रहा और लोकसभा में रिकॉर्ड कामकाज हुआ। संसद के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और लोकतंत्र का यह मंदिर देश की 130 करोड़ जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहा है। अध्यक्ष जी के नवाचारों की कई संसद सदस्यों ने तारीफ की है और इसके लिए समय समय पर अध्यक्ष जी का धन्यवाद किया है। फिर चाहे वह सदन में पहली बार चुनकर आए सांसदों को बोलने का अवसर देने की बात हो या सांसदों के वीडियो वेबसाइट के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराने की बात हो, तमाम व्यस्तताओं के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटोकॉल के बिना अपने आवास पर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इतना ही नहीं, अपने लोकसभा चैम्बर में भी वह एक पल के लिए खाली नहीं बैठते। लोकसभा की कार्यवाही से जुड़े बिल के बारे में अध्ययन के साथ ही यहाँ भी उनका लोगों से मिलने का क्रम बना रहता है। लोकसभा सचिवालय की गतिविधियों के बारे में भी पूरी जानकारी अध्यक्ष जी लेते हैं। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में भी लोकसभा अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जन से बातचीत करने का सिलसिला जारी रखा, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान किया। तो आपने देखा किस प्रकार पिछले एक साल में पुरानी परंपराओं में बदलाव कर एक नई शुरुआत की गई। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।